आज मैं आपको ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट के बीच अंतर बताऊंगा। एक इंसान गलती करके झुकने की बजाय यदि बार बार आपको ये एहसास दिला रहा है कि आप ही गलत हो और आप ही झुको, ये उसकी ईगो है। उसी सिचुएशन में कोई दूसरा व्यक्ति जो कि गलती ना करके भी बार बार झुककर थक चुका है और फाइनली उसने डिसाइड कर लिया कि अब वो इस गलती पर नहीं झुकेगा, ये उसका सेल्फ रिस्पेक्ट है। भाई देखो ना, हर इंसान को पता होता है कि वो गलत है या सही है। आप दुनिया की नजरों में भले ही सही हो, पर आप खुद की नजरों में जरूर गलत होते हैं। मैं आपको बताऊं, दुनिया भर में 90% रिलेशनशिप सिर्फ और सिर्फ ईगो के कारण टूट रहे हैं। ईगो इंसान को खोखला कर देती है, उसके सोचने की शक्ति को खत्म कर देती है। उसे पता भी नहीं चलता कि वो कितने बेहतरीन इंसान को खो रहा है, उसे पता भी नहीं चलता कि वो कितने बेहतरीन दोस्त को खो रहा है। अहंकार इंसान को अंधा कर देता है। दोस्तों, अपने ईगो को अपनी ताकत मत बनाओ कि आपको पता भी ना चले आप किसके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हो। नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा, पीछे मुड़कर देखोगे और साथ कोई ना हो।